शिशु रोग एवं स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित संपूर्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर खंडवा में पिछले 8 सालों से गुर्जर हॉस्पिटल नौचंडी मंदिर के पास खंडवा। बच्चों के सब टीके लगाए जाते हैं। स्त्री व प्रसूति रोगों हेतु बिना टाके वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध। आवश्यकता पड़ने पर दिए नंबरों पर संपर्क। ये जो आपको पढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं, ये है मध्य प्रदेश के खंडवा जीआरपी थाना प्रभारी बबीता कठेरिया। दरअसल ये वो बच्चे हैं जो रेलवे स्टेशन पर वेंडर जो सामान बेचते हैं ट्रेन में, उनके बच्चे हैं। और आसपास की गरीब बस्तियों में जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, ऐसे बच्चों को आज पढ़ाने का काम बबीता कठेरिया रेलवे स्टेशन पर ही पाठशाला बनाकर करती हुई नज़र आ रही हैं। और उनके साथ उनके थाने की टीम ने भी बच्चों को पढ़ाया। आपको बता दें, रेलवे पुलिस के स्थापना दिवस के मौके पर जो सप्ताह है उसका आयोजन किया जा रहा है, ये एक रेलवे पुलिस स्थापना सप्ताह। और इसी सप्ताह के अंतर्गत यह पढ़ाने का काम आज रेलवे पुलिस की टीम ने किया। जीआरपी थाना प्रभारी बबीता कठेरिया ने बताया कि रेलवे पुलिस के स्थापना के मौके पर रेलवे पाठशाला का आयोजन किया गया है और ये आयोजन चलता रहेगा। इसमें एक दिन रेलवे पुलिस की टीम अपने काम के साथ साथ बच्चों को पढ़ाएगी। और ये ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं या इनके माता पिता इतने अवेयर नहीं हैं कि इन स्कूलों में डालें। ऐसे बच्चों को बेसिक नॉलेज देने की कोशिश, यानी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल्स, यानी गिनती और आ हिंदी के जो वर्ण रहते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो नर्सरी और नर्सरी तक की मिडिल क्लास तक की पढ़ाई होती है वो बच्चों को कराई जाए। और इसी के तहत इस पाठशाला का आयोजन आज रेलवे स्टेशन पर किया गया। आइए, इस संबंध में रेलवे जीआरपी थाना प्रभारी बता रही हैं। मैम, आज बच्चों को पढ़ाया है, क्या है जैसे हम लोगों का शासकीय पुलिस रेलवे द्वारा एक जो स्थापना दिवस है हम लोग का, एक सप्ताह का चल रहा है जो कि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का है। तो आज दिनांक को रेलवे प्लेटफॉर्म स्कूल की शुभारंभ किया गया है, जिसमें आसपास की बस्ती के बच्चे जो स्कूल जा नहीं सकते हैं तथा जो रेलवे स्टेशन में भिक्षावृत्ति करते हैं या नशा करते हैं, तो उनको सभी को इकट्ठा करके एक बेसिक शिक्षा उनको दी गई है। तो ये लगातार चालू रहेगा।